नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन बिग स्टोरी बिग डिबेट का। दिल्ली स्टूडियोज से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति रैना है। और अब आने वाले एक घंटे में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, क्या वो 2019 का ट्रेलर है? क्या नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना मुश्किल है? और जो आइडियल कॉम्बिनेशन राहुल गांधी के पास था गुजरात में, GST, डीमोनेटाइजेशन, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी और हार्दिक पटेल, इसके बावजूद बीजेपी का जो किला है वो अभेद्य रहा। और जिस तरीके से हमने शो की शुरुआत में आपको भारत का मैप दिखाया था, सबसे ज्यादा आपको सैफरन कलर ही दिखेगा। और खुद बीजेपी भी दम भर रही है कि 19 राज्यों में देश के एनडीए की सरकार है। बीजेपी ने अपने दम पर कई राज्यों में सरकार बनाई है, 5 में बाकी पार्टियों के साथ मिलकर। मतलब जो बीजेपी का एक नारा भी रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अब चुनौती है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, और 2019 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक ट्रेलर जो आज का चुनाव है उसके लिए साबित होने जा रहा है। जीत की मुनादी करती ये तस्वीर है सियासत के उस सिकंदर की, जो तूफान से भी अपनी कश्ती को किनारे ला सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में विरोधी को चारों खाने चित कर सकता है। ये जीत विजय रूपाणी, जीतू वघानी या फिर नितिन पटेल की नहीं है। ये जीत है तो सिर्फ ब्रांड मोदी की, वो ब्रांड जो विपरीत माहौल में भी अपनी हैसियत न सिर्फ बरकरार रखता है बल्कि जीत की 100% गारंटी भी देता है। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते, हर विधानसभा जीते। भाइयों बहनों, लगातार इतनी जीत और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जीत। गुजरात के जातीय समीकरण, जीएसटी की दिक्कतों और 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को धता बताकर ब्रांड मोदी ने वो इतिहास रचा है जिसके आगे कांग्रेस के 3 खिलाड़ी फेल हो गए। नरेंद्र मोदी ने इस बार भी 34 रैलियां की जबकि राहुल गांधी ने 30 रैलियां की। राहुल गांधी 27 मंदिरों में भी गए लेकिन शायद कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी काम नहीं आया। मैं सबसे पहले पार्टी की ओर से गुजरात और हिमाचल की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन गुजरात की जीत के बाद अब इस बात को इस तरह समझिए कि कैसे बीजेपी का कांग्रेस मुक्त का नारा सही साबित होता जा रहा है। कांग्रेस के हाथ न गुजरात आया और रही सही कसर हिमाचल ने पूरी कर दी। इस जीत के बाद अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 19 राज्यों में सरकार बन चुकी है जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 4 राज्यों पर सिमट चुके हैं। इन नतीजों के बाद अब कांग्रेस के सहयोगी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बेहतर मौका गवाया है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के पार्टी, वो दिखाई देती है रिजल्ट में। और रिजल्ट में इसलिए दिखाई देती है, कई क्षेत्रों में जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी लोगों की सीटें बढ़ी हैं। ये जरूरी है, एक लोकतंत्र में बूथ मैनेजमेंट कितना हावी हो सकता है चुनाव के परिणाम पर, यह मैं समझता हूं बीजेपी से कांग्रेस को बेहतर करना चाहिए था अगर 22 साल की इनकम्बेंसी का लाभ लेना था तो। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी अगले साल कर्नाटक में भी हार गए तो पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लगभग सच हो जाएगा। बहुत ही गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में, हमारे नेतृत्व के बारे में काफी अपप्रचार किया गया, उसके बावजूद भी जनता ने जो विश्वास दिया है ये हमारी नीतियों को मजबूत करने वाला है और आगे भी विकास की राजनीति जो है वो जातिवाद की राजनीति पर विजय हुई है। दो दिन पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में 2 राज्यों में करारी हार के बाद एक सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आगे सुरक्षित है?
और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देना है, क्या वो भी सच हो जाएगा? कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो एक बड़ा एक्साइटिंग डे सुबह से अब तक, और हर कोई यही देख रहा था सुबह से। एक्चुअली T20 मैच की तरह एक टाइम पे सीन हो गया था, एक्चुअली क्लिफ हैंगर हो गया था। लेकिन कहना पड़ेगा मीर कि कांग्रेस ने एक्चुअली बीजेपी को टफ फाइट जरूर दिया और आगे इलेक्शंस में सोचने का मौका भी दे दिया। बिल्कुल, खैर सोचने का मौका, और यही आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान भी इस समय मौजूद हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा है, गुरचरण दास जी जाने माने ऑथर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, निनाद हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, अजय बग्गा हमारे साथ खास मुंबई से जुड़े हैं, और साथ ही पीरूस खंबाता हमारे साथ जुड़े हैं सीधे गुजरात से, अहमदाबाद से, आज का ग्राउंड जीरो वहां से रसना के चेयरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले गुरचरण दास जी, मैं आपसे एक्सपर्ट व्यू लेना चाहूंगा। आज के जो नतीजे हैं, इससे प्रधानमंत्री मोदी को और राहुल गांधी, इन दोनों को क्या सीख लेनी चाहिए? बीजेपी की विजय हुई है, लेकिन पूरी खुशी नहीं है। ये गुजरात के पुत्र थे, अमित शाह भी गुजरात के पुत्र हैं, तो सबकी उम्मीद थी कि डिस्पाइट 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी कि इन ये सीटें 150 मांग रहे थे, पर 125-30 तक जानी चाहिए थी, पर फिर भी ठीक है, जीत गए हैं। और इसका मतलब अब क्या है? मोदी जी ने आधे घंटे पहले एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने विकास 12 बार कहा, और अब उम्मीद है हमारी सबकी कि वाकई ये विकास की तरफ गौरव देंगे। उसका मतलब ये कहना है, सबको पता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इस वक्त 8% के ऊपर होने चाहिए था, ये हमने 1.5 साल खो दिए हैं। नोटबंदी गलती थी, GST ठीक बात थी, पर उसकी भी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो ठीक कर रहे हैं, 6 महीने में ठीक हो जाएगी। पर हमें अगर 8% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट नहीं जाती तो रोजगारी नहीं आएगी, तो और वो जो प्रॉमिस अच्छे दिन का था वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि दिस शुड बी अ वेकअप कॉल कि 2 साल रह गए हैं, और अब 2018 में इनको राज्यसभा में भी मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो उस पहला प्रायोरिटी है कि लेबर रिफॉर्म करना, लेबर लॉ रिफॉर्म्स। दूसरी प्रायोरिटी है लैंड रिफॉर्म्स, ये दोनों जरूर चाहिए। इन खुशी की बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफी तरक्की की है, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन डाल दिया है, ये सब अच्छा है। तो इसके ऊपर अब एकदम मतलब सिंगल माइंडेडली, जैसे कहते हैं एकाग्रता के साथ जाना पड़ेगा। और मैं एक और चीज कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये सेशन पार्लियामेंट में है, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होनी चाहिए। उसका मतलब ये है जैसे विलायत इंग्लैंड ने ऐसे कर दिया है, हम तो हिंदुस्तान में सारे वक्त इलेक्शन मोड में रहते हैं और काम नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि हर 5 साल बाद हमें एक दिन इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन होनी चाहिए, जनरल इलेक्शन, और हर 2.5 साल के बाद सारी स्टेट्स का इलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब है साइमल्टेनियसली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमारी गवर्नमेंट को, हम सरकार बनाते हैं और वो सारे वक्त इलेक्शन। मिस्टर दास, इनफैक्ट आपने एक्चुअली सबसे जरूरी रिफॉर्म ये है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि
जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर पूरी तरह से चुनाव लड़ा गया, फिर धीरे धीरे बाकी मुद्दे इस पर हावी रहे, आपको लगता है कि जिस तरीके से अब रिफॉर्म होना चाहिए आने वाले टाइम में, अगर मानिए 2019 की बात करें, उसके आगे भी अगर पार्टी का लक्ष्य है 2022 की बात करती है खासतौर पर बीजेपी, वो पॉसिबल है एज फार एज रिफॉर्म्स आर कंसर्न? पॉसिबल है, पॉसिबल जरूर है, और लेकिन जैसे मैंने कहा एकाग्रता से करना है। अब ये हर ये 7 इलेक्शन 6 इलेक्शन आ रही हैं अगले साल जी। और मुझे ये डर है कि बहुत सा टाइम हमारा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा ये इलेक्शन लड़ने के पीछे, और इसका मतलब गवर्नमेंट का काम जो है, रिफॉर्म्स का काम है, वो रुक जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जो बिल लाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये तो खैर एक जी, ये मेरा कहना है बिल्कुल गुरचरण दास जी, ये और ये इनफैक्ट बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा अपने आप में। हमारे साथ आलोक शर्मा भी हैं कांग्रेस से, विजय कारिया हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिरोज खंबाता तो हैं ही हमारे साथ। लेकिन फिरोज, ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि आप गुजरात से हैं, अहमदाबाद में ऑपरेट करते हैं, ये इस बार बीजेपी जीत तो गई है, बट यू नो जो क्लोजली ट्रैक करते हैं बीजेपी को, उनका ये भी कहना है कि दे आर सेव्ड बाय अ विस्कर, जो 91 का हाफ वे मार्क है उसके अगेंस्ट में 99 सीट्स आई है, एंड ऑब्वियसली जो टॉप रैंक है बीजेपी का वो ये सोचेगा कि अगली बार इतना क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं हो। आपको क्या लगता है ये जो भी चूक हुई है, एंड आई वोंट कॉल इट चूक एक्चुअली, लेकिन ये जो भी कसर रह गई इस बार सीट्स की टैली में, उसकी खास वजह क्या थी? ये तो देखो, हर आदमी को लगता था, कोई बोलता था 110 मिलेगी, मैंने आपके चैनल पे बोला है, और काफी ये जो डिफरेंस है काफी सीटों में, अगर आप थोड़ा देखोगे तो 500,000 सीटों का भी ऐसे एग्जैक्टली ऐसी काफी सीटें हो जिसमें बहुत कम मार्जिन से भी सीट ली गई है। तो मेरे हिसाब से इसको मत देखो, मैंने पहले बोला इसका बिग पिक्चर ये है कि लोगों ने वोट किया है डेवलपमेंट पे, लोगों ने डिविजन ऑफ वोट्स, कास्टिज्म, रिजर्वेशन, ये सब पे वोट नहीं किया। लोग मानते हैं कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना हो तो डेवलपमेंट करना है, और जो मैं कह रहा था थोड़ा मेरी बात नहीं हुई समझ के, लोगों की एपिटाइट बढ़ गई है। आज लोगों को ज्यादा रिफॉर्म चाहिए, और आज गवर्नमेंटों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंटों को ये रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। हमने काफी सालों से काफी रिफॉर्म नहीं लाए, लेबर तो एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है, पर मैं कहता हूँ लैंड रेवेन्यू छोड़ो, रूरल में छोड़ो, काफी नहीं लिया, इकोनॉमी पूरे सेक्टर में रिफॉर्म लाने की जरूरत है जिससे हमारा और ग्रोथ बढ़े। और लोग मानते हैं कि थोड़ी बहुत तकलीफें होगी, जैसे कि डीमो में हुई, जीएसटी में हुई, पर मेरे को ये लगता है इसका सीख ये है कि लोग ये तकलीफ लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि तकलीफ करेंगे तो ही हमको फायदे मिलेंगे। सो पीपल आर रेडी टू रियली टू टेक द लॉन्ग हॉल, और अब दैट इज अ मैसेज टू ऑल द पॉलिटिशियंस एंड ऑल द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के भाई इंडिया को अभी डेवलपमेंट पाथ को कोई नहीं रोक सकता, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, हम ये डेवलपमेंट देवे, हम ये रिफॉर्म देवे, और ये पूरा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट 2 साल का, ये मैं मानकर चलता हूँ। ऑल राइट, इनफैक्ट जो दो पार्टीज इसमें मेन पार्टीज इन्वॉल्व थी, बीजेपी और कांग्रेस, फिलहाल बीजेपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आलोक जी आपके पास मैं आऊंगी, आपको भी एक्चुअली मुबारकबाद दी जाएगी क्योंकि जिस तरीके से टफ कॉम्पिटिशन गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को दिया है वो भी एक्चुअली इससे पहले नहीं देखा गया था, कहा जा रहा था जरूर ग्राउंड लेवल पर ऐसा होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस एक्चुअली कुछ इश्यूज को भुनाने में चूक गई है इस बार? क्योंकि एक तो 22 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जीएसटी के बाद विपक्ष की पार्टियां काफी ज्यादा कई मुद्दों को उठा रही थी, पाटीदार जो थे वो युवा खासतौर पर आपके साथ हो गए थे, शायद प्रदर्शन इससे और बेहतर हो सकता था। देखिए, स्वाभाविक है कि प्रदर्शन की हमेशा अच्छे प्रदर्शन की गुंजाइश रहती है, लेकिन उसके बावजूद 22 साल से अगर कोई सत्ता में कोई पार्टी नहीं है तो स्वाभाविक है उसका वर्कर टूट जाता है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उसको तकलीफ आती है। और जिस तरह की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में करती है तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद आज मैं सैल्यूट करता हूं कि 22 साल तक सत्ता में नहीं रहने के बावजूद जो व्यक्ति 18 साल का था 40 का हो गया, और जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा
उसने भी कांग्रेस का झंडा उठाया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले मैं उन कार्यकर्ताओं का और गुजरात की 7.6 करोड़ जनता का धन्यवाद करता हूं। जहां तक बात आज आ रही है कि कांग्रेस बेहतर कर पाती, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का विकास का जो मॉडल था वो पूरी तरह से फेल हो गया। अहंकार आज पूरी तरह से हार गया है। वहां पर आज उनके जितने विकास से जुड़े हुए मंत्री थे वो सब हार गए हैं। 22 ऐसी जीत हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र 2,500 वोटों से जीते हैं वो लोग। 8 ऐसे आलोक जी, कांग्रेस खुद कहां चुकी है, बीजेपी की क्या इसमें विफलताएं रही है और बीजेपी कहां इसमें चूकी है, वो जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन एज अ कांग्रेस पार्टी अंदर भी तो एक आत्ममंथन चल रहा होगा, क्योंकि अब आने वाले समय में कॉम्पिटिशन और ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि अभी देश के 19 ऐसे राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है। अब कांग्रेस को सोचने की जरूरत है इसके आगे क्या 2019 तक का जो सफर विधानसभा चुनावों के जरिए तय करेंगे वो कैसे करेंगे। स्वाति जी, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पहला राज्य था जिसमें बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अभी तक 4 वर्षों में जहां जहां चुनाव हुए वहां 10 साल से कहीं हमारी सरकार थी, 15 साल से थी, कहीं समाजवादी थी, कहीं और थी। आज पहली बार हुआ और पहली बार होते ही मोदी साहब से लेकर और एक छोटे कार्यकर्ता के भी माथे पर पसीने आ गए हैं। आज जिस तरह से मोदी साहब को बीजेपी के कार्यालय में विकास के नारे लगवाने पड़ रहे हैं जीत के बावजूद, तो इस पूरे अपने आप में इंगित करता है कि विकास उनके एजेंडे पर कहीं पर भी नहीं है। अगर विकास होता तो विकास से जुड़े हुए उनके जितने मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, हेल्थ है, SC ST सोशल जस्टिस है, वाटर सप्लाई है, सारे मंत्री उनके हार गए हैं। तो मैं समझता हूं कि विकास के नाम पर अगर चुनाव हुआ होता और विकास वास्तव में था वहां, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों हार गए, ये सारे मंत्री क्यों हार गए वहां पर, और अगर विकास था ही वहां पर तो रूरल बेल्ट में बीजेपी साफ क्यों हो गई। कहीं ना कहीं अर्बन वोटर ने आज भी बीजेपी का साथ दिया है और उसमें कुछ हमारी तरफ से भी गलतियां रही हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड पे होना चाहिए था लोगों का वो नहीं था उस तरह का जैसा बीजेपी का है। दूसरी चीज ये है कि मोदी जी ने पूरे के पूरे चुनाव को पिछले 20-25 दिन में विकास से शिफ्ट किया और अपने ऊपर ले आए। मैं गुजरात का बेटा हूं, पाकिस्तान चले गए, अफगानिस्तान चले गए, मौका भी कांग्रेस से ही आया, पटेल के वहां पर हॉस्पिटल में चले गए, पूरा चुनाव जो है वो भ्रमित करने वाला चुनाव था। लेकिन वो मौका भी कांग्रेस ने ही दिया था और आखिरकार तो ये राजनीति है। हमारे साथ विजय कारिया हैं, रेवन केबल्स के चेयरमैन, और वो भी गुजरात में, उनका अच्छा खासा कारोबार है, देश भर में अच्छा खासा कारोबार है। विजय, मैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे पूछता हूं, आज सुबह जो स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट कर रहा था वो तो यही कर रहा था, जैसे ही इट बिकेम अ क्लिफ हैंगर सिचुएशन और ये लग रहा था कि शायद बीजेपी पिछड़ जाएगी, गुजरात में कांग्रेस माइट इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मार्केट्स सिंपली गेव अप, इट स्टार्टेड टैंकिंग, और ये जो डर है इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट्स में, मार्केट्स में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था सुबह जब तक बीजेपी फिर से आगे नहीं निकली। ये डर किस वजह से? देखिए, जो मुद्दा सब लोग बोल रहे हैं विकास का था, वो एक्चुअली कांग्रेस ने इसको कास्टिज्म और रिजर्वेशन का मुद्दा बना दिया था, और इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि कास्टिज्म और रिजर्वेशन जो है वो हम लोग धंधे में लावे। आज हकीकत तो यह है, मैंने कल शाम को भी प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट किया था, इलेक्शंस जो है वो 3 C पे लड़े जाए, कॉम्पिटिटिवनेस, कोलैबोरेशन एंड कैपेबिलिटी। कोई भी आदमी, अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी यहां पे इंडिया में दुनिया में खड़ा नहीं रह सकता ये कह करके कि भाई मैं पटेल हूं, मैं पाटीदार हूं, मैं रिजर्वेशन का हकदार हूं, तो आप मुझे धंधा दीजिए या मुझे कोई कंसेशन दीजिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कोई रिजर्वेशंस पे या कोई भी ऐसे मुद्दे पे नहीं चलती है जहां पे हम लोग बोल सके कि ये इंडिया का इश्यू है और ये वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री, मैं खुद भी इलेक्शन का रिजल्ट सुबह को देख रहा था और मैं थोड़ा बहुत परेशान था कि भाई ये अगर कांग्रेस आती है तो एक्चुअली ये विकास की हार है, क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दा लड़ा था पाटीदार या रिजर्वेशंस पे, कास्टिज्म पे,
नहीं तो कांग्रेस को क्या जरूरत थी मंदिर में जाने की और सबको पोलराइज करने की। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी के फेवर में हूं कांग्रेस या बीजेपी के, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले इलेक्शंस जो लड़े जाएं या आगे से जो इलेक्शंस लड़े जाएं वो विकास के मुद्दे पे लड़े जाएं। मिस्टर करिया, बट इनफैक्ट आपके पॉइंट को ही पॉइंट पे ही ऐड करके शायद आलोक जी शायद इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बट बिफोर दैट मिस्टर करिया ये समझना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि अगर कांग्रेस आती तो विकास की हार होती, लेकिन हमने एक्चुअली जीएसटी के बाद देखा था कि किस तरह गुजरात में जो छोटे कारोबारी थे उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। आपको लगता है कि इस जीत के बाद, जो कि एक टाइट जीत है, पिछले रिकॉर्ड को भी अपना पार नहीं कर पाई है यहां पर बीजेपी, थोड़ा बहुत रोष अभी भी वहां पर हो सकता है कारोबारियों में और थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है एक्चुअली इसके बाद? डेफिनेटली देखिए, जीएसटी का मुद्दा जो है वो आज भी जिंदा है, ये कहीं भी डिसअपियर नहीं हुआ है। कोई भी नहीं ये कह सकता है कि भाई आज जीएसटी जो है एकदम मुकम्मल है या फिर हम लोग में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉ से प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन से है। तो अगर हम लोग अपने ये सिस्टम्स गवर्नमेंट चाहती है सुधारे, कुछ काफी कुछ आइटम्स थी जहां पे रेट ज्यादा थे, गवर्नमेंट पहले तो सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब से वो लोग सुनने को तैयार हो गए और उन्होंने अपने रेक्टिफिकेशन शुरू कर दिए तो डेफिनेटली ट्रेडर कम्युनिटी में एक राहत सी आ गई कि भाई गवर्नमेंट सुनने को तैयार है। और जीएसटी जो है हम लोग सालों से देख रहे हैं, जब जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था तभी मार्केट्स जिटरी थे कि भाई जीएसटी नहीं है, इंप्लीमेंट हो गया तो मार्केट्स जिटरी हो जाते हैं कि भाई जीएसटी में प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनका इरादा ये होना चाहिए कि भाई हम लोग हर एक इश्यू को एड्रेस करेंगे और हम लोग जो है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ है, जो कि गवर्नमेंट ने दिखाया है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब ऐसे विकास के मार्ग है जो कि देश को आगे ले जा सकते हैं। और आज की तारीख में बिजनेस को ये कॉन्फिडेंस है कि भाई ये जो करंट गवर्नमेंट है वो विदाउट पॉलिटिक्स, वो आगे मुद्दा उनका विकास ही है, लेकिन खामखा पॉलिटिक्स में खींच करके, मेरे को भी ये थोड़ा ताज्जुब होता है कि गवर्नमेंट भी इसमें खींचे जाते हैं कि किसी कोई कास्टिज्म में, कोई रीजनलिज्म में, कोई रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट शुड डिफर रैलियों में देखा था एंड ओनली टॉक अबाउट राइट। मिस्टर कारिया जैसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करें, जैसा हमने देखा कि विकास का मुद्दा था नहीं, विकास के मुद्दे के बाद कई मुद्दों ने उसको टेक ओवर किया, एक्चुअली हाईजैक हो गया था जो ग्रोथ था वो। लेकिन अजय, आप कई फॉरेन इन्वेस्टर्स से भी बातचीत करते हैं, आज के रिजल्ट्स के बाद उनका रिएक्शन क्या था? क्या एक क्लोज कॉन्टेस्ट के लिए 2019 में जनरल इलेक्शन में इस समय मार्केट, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टर्स तैयार हैं या फिर उन्हें वही प्रधानमंत्री मोदी और उनका विजय रथ 2019 में वापस चाहिए? आमिर, आज तीन लोगों से बातचीत हुई और उनका यही कहना था, सब काफी मैच्योर है और कह रहे थे स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस में डिफरेंस है। 2014 का वोट शेयर आप मत देखिए, तो अगर नेशनल कैंडिडेट जब मोदी जी बन के आते हैं तो उसमें डिफरेंस है। तो एक तो ये बात थी, दूसरा था कि लोग कह रहे थे कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है जब ग्लोबल मार्केट्स अच्छा चले। आज भी देखिए, यूरोपियन मार्केट 1% ऊपर थे, जापानी मार्केट 1% ऊपर थे, हमने उसका मुकाबला नहीं किया। यूएस मार्केट 150 पॉइंट ऊपर आज खुला है। तो ग्लोबल फ्लोज, ग्लोबल सिंक्रोनाइज इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते उनको यही आशा है कि भारत की रिकवरी आ रही है। तीसरा जो बड़ा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, जो उसका बॉटमिंग आउट हो गया है जुलाई के क्वार्टर में, और अगले साल काफी तेजी से कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होते देख रहे हैं विदेशी निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक। तो मार्केट के लिए जरूर सुबह थोड़ा चिंता का विषय था कि अगर हंग आता है पार्लियामेंट, हंग आती है असेंबली, या फिर अगर बीजेपी नहीं प्रदर्शन कर पाती। बट जैसे जैसे क्लैरिटी आई, आपने देखा मार्केट बढ़ा, बट एंड ऑफ द डे तक सेल ऑफ भी आ गया। तो आई थिंक अभी भी हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के तुलना में, बट ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है ग्रोथ वाइज
और कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी वाइज। ऑल राइट, इनफैक्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद सेठ का रिएक्शन लेंगे और हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्सपर्सन संजू वर्मा भी जुड़ गई है। बिफोर आई पोस्ट माय क्वेश्चन टू निनाद, संजू आपको एक क्विक मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूं कि बीजेपी ने एक अच्छी विन यहां पर दर्ज की है गुजरात और हिमाचल दोनों में। आप अपनी थॉट्स को डेफिनेटली गैदर कीजिए, मैं एक क्योंकि यहां काफी समय से वेट कर रहे हैं यहां पर निनाद हमारे लिए भी। निनाद, वेरी क्विकली आपसे बहुत क्रिस्पली हम जानना चाहेंगे कि 2019 का ये ट्रेलर है, क्योंकि अभी एक जीत है लेकिन ये शायद कंफर्टेबल जीत नहीं है गुजरात में बीजेपी के लिए और काफी ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए 2019 का ट्रेलर मैं नहीं कहूंगा इसे, गुजरात के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में फर्क है। जीत का मीनिंग क्या होता है? अगर हारी होती बीजेपी तो उसका मीनिंग अलग होता, क्योंकि बीजेपी जीती है और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, आई थिंक इट विल एम्बोल्डन मोदी टू बी अ बेटर मोर रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रश्न यहां यह है कि विल ही बिकम पॉपुलिस्ट आफ्टर दिस क्लोज विक्ट्री और विल ही रिमेन रिफॉर्मिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि मोदी के व्यक्तित्व के कारण और उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी और जिन्होंने विकास में फिर से एम्फेसाइज किया था अभी हेडक्वार्टर के भाषण में, ही विल बिकम ए मोर रिफॉर्मिस्ट लीडर। और कांग्रेस के लिए भी एक दिलचस्प टेक अवे है कि उन्होंने जो अच्छा परफॉर्म किया है, क्या बीजेपी को चैलेंज नेशनली अगर करना है तो लेफ्ट ऑफ सेंटर के चैलेंज खत्म हो गए, क्या वो भी राइट ऑफ सेंटर जाएंगे, क्या वो भी रिलीजियस बन जाएंगे? तो इंटरेस्टिंग पॉलिटी में शिफ्ट ये है कि क्या बीजेपी को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस को राइट ऑफ सेंटर जाना पड़ेगा, और अगर वो होता है, इसके इंडिकेशन तो मिले ही थे, इसके इंडिकेशन मिलेंगे, तो अगर वो होता है तो ये एक नया दिलचस्प दौर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ संजू वर्मा भी है। संजू, हाय। मिहिर, आज जो नतीजे आए हैं, नाउ यू नो द मार्केट्स वर एक्चुअली होपिंग की थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी आएगी एंड इट विल बी मोदी ऑल द वे। अभी भी उम्मीद तो यही है कि 2019 में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी और जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान है उसकी घोषणा तो बीजेपी के जितने मंत्री आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने सबने की है, लेकिन 100 के नीचे सीट्स डबल डिजिट में 99 यानी जो हाफवे मार्क है उससे बस 7-8 सीट आगे रहना, ये क्या थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं है फॉर अ पार्टी लाइक बीजेपी? पहले तो मिहिर, मैं आपका और श्वेता का धन्यवाद करना चाहूंगी बिकॉज मैं कुछ डिबेट्स पर आई हूं एंड आई हैव नॉट सीन द ऑपोजिशन बीइंग ग्रेशियस इनफ टू इवन कॉन्ग्रेचुलेट बीजेपी स्पोक्स पर्सन्स ऑन द रिमार्केबल विक्ट्री इन गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। राइट। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हाफवे मार्क जो कि 91 था उससे हम खाली 8 सीटें ऊपर हैं जो आंकड़े आए हैं, अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है वेदर यू वॉन्ट टू सी द ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। मैं इसे हाफ फुल देखूंगी, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं। आप ये बात समझ लीजिए कि 22 साल की इनकम्बेंसी कोई छोटी नहीं होती, 22 इयर्स इज ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम। टोटली अग्री। सेकेंडली, ये छठी बार कंजेकेटिव गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। तीसरी बात, आप एक चीज जो कोई नहीं बोल रहा किसी चैनल पे, बीजेपी ने नॉर्थ गुजरात सेंट्रल गुजरात में सही किया, विच वॉज द एकिलस हील फॉर बीजेपी। बीजेपी का जो वीक स्पॉट था वो था सौराष्ट्र का चेरियस। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं समस्या क्या हुई कि पिछले 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक नर्मदा डैम के स्लुइस गेट्स को बंद करने की अप्रूवल नहीं मिली थी गुजरात की राज्य सरकार को मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से, जिसके चलते जो नर्मदा डैम की हाइट है दैट वॉज कंटेन्ड एट 122 मीटर्स, ये तो मोदी सरकार ने आके 17 दिनों में फाइल क्लियर की और अब जाके सौराष्ट्र कच्छ एरिया में नर्मदा डैम का पानी आ रहा है। तो वहां के लोगों के बीच का जो आक्रोश है, जो उनको आपत्ति है, वो इस बार उभर के आई है। हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम कांग्रेस जैसे नहीं है जो कहेंगे कि हमको मॉरल विक्ट्री मिली है। अब विक्ट्री इज अ विक्ट्री इज अ विक्ट्री इज अ विक्ट्री। बीजेपी जीती है डिस्पाइट ऑल ऑड्स। संजू, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि विक्ट्री विक्ट्री ही होती है, जो जीता वही सिकंदर, वो भी आप कह रही हैं। ये डेफिनेटली विक्ट्री इज अ विक्ट्री, बट डेफिनेटली आपको लगता नहीं जैसी विक्ट्री होनी चाहिए थी सबसे पहले वैसी विक्ट्री नहीं है? जहां पर सबसे ज्यादा आपका होल्ड होना चाहिए, जैसे आपने सौराष्ट्र कच्छ की बात कही, वहां पर बीजेपी वैसा होल्ड नहीं बना पाई है। जो मोदी के जो अपना गांव है वडनगर, वहां से वो खुद वो सीट हार गए, कांग्रेस वहां पर उसने जीत दर्ज की है। तो आपको लगता है कि एक्चुअली यहां पर बीजेपी को भी इस जीत के बावजूद आत्ममंथन की जरूरत है?
श्वेता, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है। आप ऊंझा सीट की बात कर रही हैं जो बीजेपी हार गई, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कितने चैनल्स ने ये डंके की चोट पे छाती तान के बोला है कि सिद्धार्थ पटेल कांग्रेस के बड़े नेता, शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोडवाडिया जो बड़ी बड़ी हांक रहे थे चुनाव के पहले कि हम तो जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, ये तीनों दिग्गज नेता कांग्रेस के मुंह के बल हारे हैं। तो इतना क्रेडिट तो दीजिए कि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सौराष्ट्र और कच्छ में प्रॉब्लम एरियाज हैं, उन्हें हम इंट्रोस्पेक्ट करके टैकल करेंगे। पर अब सेंट्रल गुजरात में देखिए, जहां बहुत बड़ी एनआरआई पॉपुलेशन है, जहां पर इट इज मेड ऑफ रिच फार्मर्स, फार्मिंग क्लास, आप सूरत की बात करें, 12 की 12 सीटें हमें मिली हैं। ग्रामीण इलाकों का क्या कहेंगे जहां पर कांग्रेस ने हाफ हाफ जो बात है वो भी क्रॉस कर दिया। संजू वेरी क्विकली, ग्रामीण इलाकों का क्या कहेंगे जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी, यहां पर वो भी तो एक बहुत मेन फैक्टर रहा होगा बीजेपी के लिए। आपकी बात सही है नहीं, आपकी बात सही है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 43 सीट मिली है, कांग्रेस को 62 सीटें मिली है। मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगी कि हमें रूरल गुजरात में और काम करना है, पर आप सेमी अर्बन और अर्बन सीट्स की बात करिए। आप बीजेपी ने जो ट्राइबल एरियाज में इनरोड किया है, चाहे वो सागपाड़ा हो, डांग हो, टापी हो, महीसागर हो, बानसकंथा हो, साबरकंथा हो, जो इनरोड ट्राइबल एरियाज में है उनकी बात कोई कर नहीं रहा, जबकि ट्राइबल पॉपुलेशन ने ट्रेडिशनली कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है। दे हैव ट्रेडिशनली बीन कांग्रेस वोट बैंक्स, बट बीजेपी ने कांग्रेस की ट्राइबल बैस्टियन में जाके उनको मुंह के बल सबक सिखाया है। तो बात यह है कि गुजरात इलेक्शन हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। देर हैव बीन मेनी इक्वेशंस दैट हैव बीन मूविंग साइमल्टेनियसली, मूविंग पार्ट्स टू द इक्वेशन, बट फाइनली जैसा आपने कहा, जैसे स्मृति ईरानी जी ने कहा, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस का तो वो हाल है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और एक बात मैं बता दूं, संजू, हमारा वोट शेयर कितना है? 50% कांग्रेस का वोट शेयर है, 42%, 8% डिफरेंस इन वोट शेयर 22 साल की इनकम्बेंसी के बाद कोई छोटी बात नहीं है श्वेता, कोई छोटी बात नहीं है। संजू एक छोटा करेक्शन, मेरा नाम स्वाति है, महत्व नहीं दे रहा। संजू एक छोटा करेक्शन, आलोक वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्वाति। संजू, आई हैव स्वाति विद मी इन स्टूडियोज, बट आलोक शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनसे एक मैं क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ, देन आई एम गोइंग टू गुरचरण दास जो कब से बैठे हुए हैं। आलोक, क्विकली बताइए। आलोक शर्मा जी प्लीज रहिए हमारे साथ, पैनल बहुत बड़ा है, सबका व्यू लेना जरूरी हो जाता है। आई एम श्योर आपके पास आप क्या जवाब देना चाहते हैं, बताइए। चलिए हम आलोक के पास चलेंगे फिर से, लेकिन गुरचरण दास जी हमारे साथ हैं। मिस्टर दास, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2019 में ये जो पूरा मुद्दा है इस समय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को जो जीत हासिल हुई है, इज इट अ ट्रेलर फॉर 2019? अब अगर ये 2019 का ट्रेलर है और वोटर इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करने वाले हैं 2019 में, तो आने वाले जो 18 महीने हैं उसमें बीजेपी को और इनकी पॉलिसी को गुरचरण दास जी आप किस तरफ टिल्ट होता देख रहे हैं? मैं सोचता हूं कि ट्रेलर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, वॉट इज इम्पोर्टेंट नाउ इज कि ये 18 महीने में क्या करेंगे। ये एक अच्छी चीज हुई है कि गुजरात और हिमाचल जीत गए हैं, इसका मतलब है कि इन्हें बल, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए टू परसू द अनरिफॉर्म्ड एजेंडा। अब 2018 में राज्यसभा में भी इनको मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो मैंने पहले कहा कि सबसे जरूरी है लेबर लॉ रिफॉर्म और दूसरी चीज चाहिए लैंड रिफॉर्म। ये जो लैंड रिफॉर्म बिल तैयार था वो नहीं हो पाया, अब कर देना चाहिए। और तीसरी बात है एक्सपोर्ट्स। हमारे देश में प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, हमें प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। और दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड है, लेकिन सही बात यह है, जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि $17 trillion वर्थ ऑफ गुड्स आर ट्रेडेड इन द वर्ल्ड एवरी ईयर, राइट, और हिंदुस्तान का शेयर है 1.7%, 2% से कम है। और अगर आप
आधा परसेंट भी इसको बढ़ा दें तो हमारी ग्रोथ रेट 8 के ऊपर चली जाएगी जी, और अच्छे दिन आ जाएंगे क्योंकि रोजगारी आ जाएगी। अब इसका इसका तरीका यह है कि हमने, मैं समझता हूं कि वी हैव फेल्ड इन एक्सपोर्ट्स एज अ कंट्री, और अब नए मिनिस्टर आए हैं, लेट्स होप ही परसिस्ट्स। लेकिन ये अगर कोई देश 8-10% पे सस्टेन्ड नहीं कर सकता एक्सपोर्ट्स के बिना, तो जब हम कहते हैं ना मेक इन इंडिया, इट शुड बी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, राइट, दैट शुड बी द राइट स्लोगन। बिल्कुल। अब इस ये करने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए एकाग्रता चाहिए, और उसका मतलब है कि ये जो इलेक्शंस हैं या ये क्या कहते हैं गौ रक्षक प्रॉब्लम है, ये सब डाइवर्जन्स हैं। अगर सही तरह काम करना है तो इसके पीछे जाना चाहिए, और उसके बाद अगर 2019 में आ जाएं मोदी जी, फिर उसके बाद फिर गवर्नेंस रिफॉर्म का एजेंडा पूरा करना है। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी ज्यादा जरूरी है। गवर्नेंस रिफॉर्म का मतलब जुडिशरी रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, ये तीनों करने पड़ेंगे जैसे मार्गरेट थैचर ने किया था अपने सेकंड टर्म। बिल्कुल। इनफैक्ट मिस्टर दास, एडिंग टू योर पॉइंट, क्योंकि अभी हम 2019 के ट्रेलर की बात करें, अभी तो बस बजट भी आने वाला है, और क्या हम एक्चुअली इस जीत के बाद, क्योंकि वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा इवेंट है, पिछली बार भी हमने देखा, इस बार भी, क्या एक लोक लुभावन बजट हम, ये बड़ा सवाल है आज स्ट्रीट पर, ये डर भी था। लेकिन संजू, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब देखिये 2019 के लिए ऑब्वियसली एटलीस्ट द वे मार्केट्स रिएक्टेड टूडे, I mean, the writing is on the wall that everybody wants Modi government to be back in 2019. लेकिन जो challenges हैं, एक तो जो गुरचरण दास जी ने कहा कि 8% plus का growth हासिल करना, reforms के track पर रहना and you know not getting tilted towards populist measures, क्योंकि अगले साल भी 6 बड़े assembly elections हैं including 3 major states जहां पर आप anti-incumbency फिर से face करेंगे, MP, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, इन सब, एंड देन यू हैव द मैक्रो इंडिकेटर्स, जैसे क्रूड इस समय जिन लेवल्स पर है, करेंसी जिस तरह से बिहेव कर रही है, इसे कितना चैलेंजिंग आप मान रही है टू रिवाइव ग्रोथ इन 2019, बिकॉज रेवेन्यू को लेकर भी जेन्युइन कंसर्न है जीएसटी रोल आउट के बाद। मिहिर, मैं एक चीज साफ करना चाहूंगी कि ग्रोथ रिवाइवल की बात ये करना मुझे समझ में नहीं आता किस हद तक सही है, बिकॉज डी मोनेटाइजेशन के बाद जब जीडीपी ग्रोथ फॉर द जून क्वार्टर इट डिप टू 5.7%, सबने ये कहा दैट द इकॉनमी विल टेक 3-4 क्वार्टर्स टू बाउंस बैक, बट सितंबर क्वार्टर में इट बाउंस बैक विद अ वेंजेंस एट 6.3%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ था 7% और माइनिंग ग्रोथ था 5.5%। तो हैज द बाउंस बैक हैपेंड? यस। इज ग्रोथ ऑन ट्रैक? पिछले तीन सालों में 7.5% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ है, जबकि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ हैज बीन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 2.5-3%। यूएस जीडीपी ग्रोथ पिछले दो क्वार्टर्स में 3% के आसपास रहा है, नहीं तो वी ऑल नो कि यूएस जीडीपी ग्रोथ 3 क्वार्टर्स बैक वॉज स्ट्रगलिंग एट 1-1.5%। तो लेट अस नॉट फॉरगेट कि ग्लोबल डायनामिक्स जिस मुकाम से गुजर रही है, उसके बावजूद इफ वी हैव बीन एबल टू मेंटेन हैंडसमली ओवर 7%, इट इज नॉट अ मीन अचीवमेंट। जहां पर एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात होती है, तो अभी ये आंकड़े आए हैं, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एक्सपोर्ट ग्रोथ वॉज 30.5%, इंपोर्ट ग्रोथ 19.6%, ड्रिवन बाय नॉन ऑयल इंपोर्ट्स ऑफ 14.5%। और मुझे लगता है दिस इज अ साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम। पॉइंट नंबर 3, आप यदि इन्फ्लेशन की बात, महंगाई की बात करते हैं, हाँ, इन द मंथ ऑफ नवंबर होलसेल इन्फ्लेशन वेंट टू 3.93%, रिटेल इन्फ्लेशन वेंट टू 4.88%। बट ये बात लोग क्यों भूल जाते हैं कि बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर यदि आप क्यूमुलेटिव रिटेल इन्फ्लेशन का फिगर देखें, महंगाई का दर सिंपली 2.5% है, जबकि नवंबर 2013 में रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 11%, वेजिटेबल इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली 20-25% था, पल्सेस इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली 30-35% था, जबकि पल्सेस इन्फ्लेशन हैज बीन नेगेटिव फॉर द बेटर पार्ट। इनफैक्ट संजू, आपके इन तमाम आंकड़ों को, फिगर्स को, और थोड़ा सा इस पे मोहर लगाने के लिए हमारे साथ
मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस बाबुल सुप्रियो ही जुड़ गए हैं। बाबुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन सच बिग विक्ट्री एक गुजरात में, जो कि प्रिडिक्टेड थी ही, लेकिन हिमाचल में भी अच्छी विक्ट्री है। बाबुल जी, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स तो हैं ही, लेकिन एक बेहतरीन सिंगर भी रह चुके हैं, तो क्या हम एक कुछ अलग ढंग से कांग्रेचुलेशंस आपकी तरफ से इस जीत की बधाई को सुन सकते हैं? बिल्कुल हाँ, इस जीत पर, इस जीत पर आप कौन सा गाना गाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के? नहीं, मैं बेहतरीन सिंगर था नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल बाबू जी, आप अभी भी हैं। वी लव टू लिसन टू यू ऑलवेज। वी लव टू लिसन टू यू ऑलवेज। बीजेपी की जीत के लिए गाना गाइए। नहीं, शुरू मैं फिर एक शब्द कह लूं, पहले ही आप कांग्रेस वाले ऑलरेडी बहुत गुस्से में हैं, अभी इस वक्त मैं गाना गाऊंगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर 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 हम ये सोचें कि देखिए, वोट में हार जीत होती है, कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि हमने कांग्रेस को नहीं हराया, जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी में जो वोटर्स हैं, उन्होंने हमें उनके ऊपर चुना है, फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को चुना है। और अगर जो जीता वही सिकंदर अगर आप कहेंगे ना, तो मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के लिए ये वक्त है कि वो थोड़ा सा आत्मरोमंथन करे और राहुल गांधी जी ये सोचे कि क्या हार्दिक पटेल जैसे ऐसे लोगों के साथ वो रहना चाहेंगे, उन्हीं के बलबूते पे ऐसी डिविजिव पॉलिटिक्स में वो जाना चाहेंगे किसी चुनाव में, क्योंकि वो इतने अभी अभी पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री ठीक से हुई नहीं है, और वो इतने घटिया कॉन्स्पिरेसी थियोरीज वगैरह जो है हमारे जो ईवीएम की जो सैंक्टिटी है, जो इलेक्शन कमीशन की जो सैंक्टिटी है, उनके ऊपर इतने अजीब सब सवाल है उन्होंने खड़े कर दिए है। ये इस टाइप के लोगों के साथ क्या राहुल गांधी जी को आगे अपने राजनीतिक भविष्य को लेके जाना है, ये उनको इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। आई थिंक टुडे इज अ डे व्हेन देयर शुड बी ग्रेस, देयर शुड बी लिटिल बिट ऑफ क्वाइटनेस, एंड देयर शुड बी इंट्रोस्पेक्शन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस बट गुजरात में 22 साल पावर में रहने के बाद जिस तरीके की जीत बीजेपी ने हासिल की है, इसको कैसे हम डेवलपमेंट के जरिए और आगे लेके जा सकते हैं, ये भी बीजेपी भी इसके बारे में सोच रही है, और हम इसी को आगे लेके जाएंगे, इसी मुद्दे को। बिल्कुल बिल्कुल, गाना हम बाद में गाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है क्विकली, एंड देन संजू आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स ऑन दैट। गुरचरण दास जी, आज सुबह जब ये रुझान आ रहे थे ना, उस समय कई जो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़े थे, उसमें उन्होंने एक चीज कही, और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरचरण दास जी, बट वेरी क्विकली बिकॉज यू आर रनिंग अहेड ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, कितनी संभावना है 2019 में सारी ऑपोजिशन की मिलकर कांग्रेस की लीडरशिप में या राहुल गांधी की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को चैलेंज करने की? इज इट अ रियल पॉसिबिलिटी या फिर ये हवा में बातचीत हो रही है? और गुजरात के जो नतीजे हैं उसे हम एक्स्ट्रापोलेट कर भी देखें तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन था कांग्रेस के पास टू चैलेंज नरेंद्र मोदी, पर वो रोक नहीं पाए जीतने से उन्हें। भाई, मैं तो हमेशा हेजिटेट करता हूं ऐसी, जैसे क्रिस्टल बॉल ग्लेजिंग इसको कहते हैं, प्रोजेक्शन फोरकास्टिंग में, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत वक्त होता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त से आप इस समय आप कहें कि अगर इलेक्शन हो नेशनली तो मोदी जी की जीत हो जाएगी, ये तो हम कह सकते हैं। और अगर ये परसिस्ट करें रिफॉर्म्स में, जो रिफॉर्म्स में मैंने बहुत जिसके बारे में मैंने भी कहा है, और ये वाकई, क्योंकि इकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म गेम है, एक 5-day मैच है, और पॉलिटिक्स 20-20 मैच होता है, तो ये जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखा कि हम 30 पॉइंट्स हम बढ़ गए, जो कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, वो जो रुकावटें हैं उनको हल करने का, तो अगर ये करेंगे तो जीत होगी। जीत होगी, और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर जीत हुई भी तो फिर सबसे ज़रूरी रिफॉर्म्स नेक्स्ट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस होगा लाने के लिए। यहाँ तो अभी 2 साल में रोजगारी का काम करना है,
जो गवर्नेंस रिफॉर्म है, इनफैक्ट चैलेंजेस, बिल्कुल सर, मिस्टर दास आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट कहा है कि रिफॉर्म्स होना बेहद जरूरी है। संजू आपसे इस पर क्विक रिएक्शन लेंगे, रिफॉर्म्स और जो कुछ चैलेंजेस है अभी भी पार्टी के सामने बने हुए हैं, रोजगार जैसी समस्याएं जिसको लेकर अभी भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। स्वाति, मैं एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि बहुत बात हो गई है डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी को लेकर, बहुत बात हो गई है जीएसटी को लेकर, पर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, फॉर विच द मोदी गवर्नमेंट डिजर्व्स एकोलेट्स एंड कुडोज, वो है एनपीए रेजोल्यूशन। ये मत भूलिए कि एनपीए ऑर्डिनेंस जो मोदी गवर्नमेंट ने पास किया है वो एक बहुत ही बेहतरीन रिफॉर्म है, क्योंकि नाउ द आरबीआई एंड बैंक्स दे कैन टेक पीनल एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स विदाउट हैविंग द फियर ऑफ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाई प्रोब एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको हम झुठला नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पहले पहले जब मोदी सरकार आई थी हर कोई कह रहा था ओ मोदी गवर्नमेंट इज इंडल्जिंग इन इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स बट नॉट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंट 70 साल की हिस्ट्री में डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट बिग बैंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और आप कहेंगे कि अरे करप्शन का तो कुछ नहीं हुआ, मैं डंके की चोट पे कहूंगी डीमोनेटाइजेशन के चलते 1.5 लाख करोड़ ऑफ ब्लैक मनी हैज बीन अनअर्थ और 5.5 लाख करोड़ इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। और ये मान के चलिए 5.5 लाख करोड़ विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में पीयूष गोयल और अरुण जेटली बात कर चुके हैं, दैट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 4% ऑफ जीडीपी। वी हैव इनफैक्ट, आप नोटबंदी नंबर्स की बात कर रही हैं, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का है बीजेपी की जीत के बाद। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, ही स्पोक एक्सक्लूसिवली टू जी बिजनेस, सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश की बंपर जीत और गुजरात में छठी बार वापसी वाकई बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी। अरुण जी, जो ये जीत हासिल हुई है बड़ी जीत है, इसके लिए किसको आप श्रेय देंगे, विकास को, प्रधानमंत्री मोदी के लगातार कैंपेन को, या फिर जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर? देखिए, गुजरात की जनता को, गुजरात के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस को, सरकार के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को, और जो हमारे संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से चुनाव को ऑर्गेनाइज किया, ये सरल चुनाव नहीं था। छठी बार जीतना अपने आप में छोटी बात नहीं है, जातिवाद के खिलाफ जीतना और भी कठिन है, और बड़ी मात्रा में वोट मिलना वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। जी, जिस तरह से यूपी के तर्ज पर 3 लड़के यहाँ पर उतारे गए, राहुल गांधी ने भी काफी अग्रेसिव कैंपेन किया, आपको क्या लगता है कि जो नेगेटिव कैंपेन हुआ, ये सब हुआ, इसको लेकर थोड़ा सा मन में एक? देखिए, स्वाभाविक है कि चुनावों में इस तरह के कैंपेन होते भी हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी सर, जो आने वाले दिनों में जिस तरह से और भी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हैं, 2019 के चुनाव हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं, उसको लेकर किस तरह की रोड मैप आगे दिख रहा है? क्योंकि ये एक पास्ट आप देखिए तो हम लगातार इतने चुनाव जीते हैं पिछले 3-4 साल में, तो मुझे लगता है जीत की कड़ी बनाए रखना अपने आप में अच्छी बात है, और निश्चित रूप से हमने वो कड़ी बनाई रखी है। आखिरी सवाल, गब्बर सिंह टैक्स की बात हुई, जीएसटी की बात हुई, राहुल गांधी ने क्या? मतदाताओं ने उसका उत्तर दे दिया है, जो क्षेत्र उससे सबसे अधिक प्रभावित थे वहां सबसे बड़ी जीत हुई है। शुक्रिया जी, मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली बताते हुए कि विकास की जीत है और प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। विकास की जीत, प्रधानमंत्री मोदी की जीत। हमारे साथ विजय कारिया भी हैं रैबिन केबल्स के, और साथ ही अजय बग्गा भी हैं। विजय, आज सुबह कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी इज वेरी एरोगेंट और अब इन्हें आगे जाकर पता चलेगा। उस समय शायद वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जो कांग्रेस की टैली आई थी उसे देखकर। बट आप ये जो अब तक की पूरी बातचीत हुई है उसे अगर आप समअप करना चाहें एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आपका व्यू क्या होगा? यू वुड बी कंफर्टेबल विद स्टेटस को 2019 में? आपको बीजेपी वापस चाहिए, राइट? डेफिनेटली बीजेपी वापस चाहिए, और स्टेटस को नहीं, वी वांट बीजेपी टू कम बैक विथ बिगर मेजॉरिटी। मैं थोड़ी एक अलग से थोड़ी हटके राय दूंगा। मैं देख रहा हूं कि हर एक मुद्दे में पॉलिटिक्स आ रहा है, इकोनॉमिक्स में भी पॉलिटिक्स खींचा जा रहा है। जैसे अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो बीजेपी उसमें क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा योगदान है एक्सपोर्ट्स में,
तो नेचुरली तो ऑपोजिशन यही कहेगा कि जब एक्सपोर्ट्स घटते हैं तो बीजेपी के कारण है। हकीकत यह है कि गवर्नमेंट का काम है बिजनेस को फैसिलिटेट करना और फेलिसिटेट करना, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, तो उनको ये मुद्दे पे फोकस करना चाहिए, ना कि छोटे छोटे पॉलिटिक्स और पेटी इश्यूज पे सबका ध्यान दौरा करके अपने आप को अंदर कीचड़ के अंदर खींचना। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई 2019 के इलेक्शन जीते, तो उनको एक फोकस से काम करना पड़ेगा, और ना कि हर दूसरे तीसरे इलेक्शन में या दूसरे तीसरे दिन में, क्योंकि आजकल म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी एक रेफरेंडम से हो गए हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो छोटे छोटे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस पे भी विक्ट्री क्लेम कर रही है, और सामने ऑपोजिशन भी उसको समझ रहा है कि ये प्रो गवर्नमेंट है एंटी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को हमने 5 साल के लिए चुना है, उनको 5 साल के लिए काम करने दीजिए, और गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि भाई हम लोग 5 साल के लिए है, हम लोग 5 साल के एक टाइम फ्रेम में चले, ना कि हम हर तीसरे महीने जो इलेक्शन होंगे उसमें अपने आप को खामखा इंडस्ट्री चाहती है कि रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़े। राइट सर, मिस्टर करिया, बिल्कुल आपने कहा कि इंडस्ट्री चाहती है कि रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़े, तो आगे भी मोदी का होना, मिस्टर मोदी का होना जरूरी है। मिस्टर बग्गा, आप इससे अग्री करते हैं, बिकॉज रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे बढ़ना जरूरी है, और जितना सरकार और पार्टी स्ट्रांग होती है उससे ही रिफॉर्म्स और आगे बढ़ेंगे और फ्रूटफुल साबित होंगे। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रीमियम रहता है मार्केट में, वो अभी भी कायम है भारत के मार्केट्स में, और इसीलिए ही हमें FDI जो है लास्ट 3 साल में 70% बढ़ी है, FIIs की फ्लोज बढ़ी है, तो ओवरऑल वो जरूर है। मुझे क्या लगता है कि अगले साल जिस तरह इकोनॉमी बढ़ने का हमें फोरकास्ट है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी का फोरकास्ट है, तो भारतीय मार्केट्स का प्रदर्शन आगे जाके अच्छा रहेगा। जो उम्मीद है सरकार से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ाने की जरूरत है, वो एक उम्मीद रहेगी मार्केट की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबुल सुप्रियो जी, डेफिनेटली पार्टी खुश है, हर जगह खुशी का माहौल है, और अब आने वाले टाइम में 2019 पर नजर तो है ही, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव भी है, चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी जीत का माहौल है, तो हम चाहेंगे आप इस जीत के माहौल में थोड़े सुर बिखेर दें, और जैसा आपने कहा था कि डेफिनेटली आप इसमें सुर बिखेरेंगे, तो एज यू प्रोमिस्ड, कैन यू प्लीज। अब हम बीजेपी से प्रॉमिस अगर कर दिए तो हम जब प्रॉमिस नहीं करते हैं तभी उसे रखते हैं, तब तो करना ही पड़ेगा। जो माहौल, डिविसिव माहौल पैदा किया था, कास्ट पॉलिटिक्स किया कांग्रेस ने, मेरे ख्याल से ये गाना बड़ा फिट बैठता है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हम भाई हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, कहो ना प्यार है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, करा लिया आपने मुझसे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वैसे आपके लिए खुशी का माहौल है, और जब जीत है तो आपने इस जीत के लिए सुर का समा भी बांध दिया। वैसे एक्चुअली लोकतंत्र में तो ये सब हार जीत चलती रहती है, बट इसके अलग अलग रंग भी हम देखते हैं चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पैनल का हमारे साथ इस खास कवरेज में जुड़ने के लिए, और यकीन मानिए हम भी सुबह से इस पूरे डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और जैसा गुजरात चुनाव में हमने देखा, हिमाचल चुनाव में देखा, आगे काम रुका नहीं है, इनफैक्ट बड़ा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में और भी ज्यादा कड़ी टक्कर होने जा रही है, और 2019 का ट्रेलर हम इसे अगर नहीं कहेंगे तो वैसे बेमानी होगा, क्योंकि डेफिनेटली दोनों पार्टीज को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे और मीर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।